हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। भामाशास्त्री बाबूलाल जी मिश्रीमल भंसाली भंसाली इंजीनियरिंग पॉलीमर्स लिमिटेड द्वारा कोरोना महामारी के संकट के समय जन साधारण की सेवार्थ कई कोविड सेंटर ताड़देव मुंबई भाईंदर आबू रोड सांचौर एवं हाड़ेचा नगर राजस्थान में निःशुल्क शुरू की, जिससे हजारों कोरोना पीड़ितों को निःशुल्क मेडिकल सुविधा उपलब्ध हो सकी। आपने राजस्थान सरकार को ऑक्सीजन प्लांट लगाने में आर्थिक सहयोग प्रदान किया। कोरोना महामारी से बचने के लिए वैक्सीन जो बहुत उपयोगी है, उसे लगभग 5,000 लोगों को शारदा मंदिर स्कूल मुंबई में लोढ़ा फाउंडेशन एवं राजस्थान सेल भाजपा मुंबई के मार्गदर्शन में निःशुल्क उपलब्ध करवाने का भागीरथ कार्य किया। कोरोना महामारी संकट के समय मानवता की सेवार्थ भंसाली परिवार द्वारा किए गए जन उपयोगी कार्य के लिए महामहिम राज्यपाल श्री भगत सिंह केशियारी जी ने राजभवन में श्री जयेश भंसाली भंसाली इंजीनियरिंग पॉलीमर्स लिमिटेड को अभिनंदन पत्र देकर सम्मानित। भंसाली परिवार के सहयोग से 4 दिन चले वैक्सीन शिविर के समापन समारोह में लोढ़ा फाउंडेशन की अध्यक्षा श्रीमती मंजू मंगल प्रभात जी लोढ़ा ने एवं राजस्थान सेल भाजपा मुंबई अध्यक्ष श्री नरेंद्र भंडारी ने श्री जयेश भंसाली एवं श्री पवन राज जी संघवी ने शारदा मंदिर स्कूल में वैक्सीन के लिए बहुत ही सुंदर व्यवस्था करने एवं वैक्सीन उपलब्ध करवाने के लिए मलबार हिल के विधायक एवं मुंबई भाजपा अध्यक्ष श्री मंगल प्रभात जी लोढ़ा का साफा पहनाकर एवं बुके देकर सत्कार किया एवं सहयोग के लिए धन्यवाद किया। श्री नरेंद्र भंडारी ने श्री बाबूलाल जी भंसाली एवं श्री जयेश भंसाली की उदारता की प्रशंसा करते हुए कहा कि वैक्सीनेशन शिविर 1 दिन का लगाने का तय किया था, मगर लोगों की अत्यधिक मांग होने की वजह से जयेश भाई ने इसे बढ़ाकर 4 दिन का कर दिया। इस अवसर पर श्री ललित जी भंसाली, श्री पवन राज जी संघवी, श्री चंपालाल जी भंसाली, श्री दिनेश जी भंसाली, श्री महेंद्र संघवी, श्री हरीश संघवी, श्री दीपेश संघवी, श्री आशीष शेठ, श्री अश्विन सिरसलेवाल एवं पूरी टीम का विशेष सहयोग रहा, जिससे वैक्सीनेशन शिविर सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। जागरूक टीवी की खास रिपोर्ट।